इसमें सिंपली एक बात बता रखी है, अगर आपके पास कोई कंटेनर है, रेस्ट पे है, पानी रेस्ट पे है, तो मैं क्वेश्चन पूछेगा अगर ये फ्रेम एक्सलरेट करता है तो पानी पीछे की तरफ जाएगा बिकॉज ऑफ सुडो फोर्स। डायग्राम बनाओ पानी का क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, पहला आंसर है। दूसरा वो पूछेगा एंगल बोलो हॉरिजॉन्टल के साथ पानी कितना ऊपर उठ गया, तो आप कोई भी पार्टिकल लें, इस पार्टिकल पे एक्सलेशन लें, एक एक्सलेशन क्या है जी, दूसरी क्या है सूडो फोर्स की वजह से, क्यों ये ए के साथ एक्सलेट कर रहा है, पीछे क्या लगेगी सूडो फोर्स की वजह से ए, नेट एक्सलेशन कितनी है इन दोनों का वेक्टर सम, और ये एंगल अगर थीटा है, इंक्लाइन प्लेन की बिल्कुल थ्योरी है याद करो, इंक्लाइन प्लेन है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, अगर मैं तुम्हें ये थीटा बता दूं तो तुम्हें ये थीटा भी पता लग जाएगा, तो ये थीटा कैसे निकलेगा, टैन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी, तो थीटा इज टैन इनवर्स ए बाई जी, जो ये एंगल होगा वही ये एंगल निकल आएगा, तो एंगल आ गया, और जी इफेक्टिव क्या होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो मैं ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे कि ये एंगल बताओ कितना है, तो ये एंगल ऐसे निकलेगा, तो समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लग रहा है एक्सेलरेटेड फ्रेम्स में, ठीक है। तो अगली बार इस प्रेशर को स्टार्ट करेंगे।